तवे पर ये चीज मत बनाना, बर्बाद हो जाओगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों दोस्तों, रसोई घर में तबाह तो हर किसी के घर पर होता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में दवा नहीं होगा। तभी पर यह चीज आपको कभी भी भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, वरना इसी माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगे और शनि देव आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और ऐसे में धान की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए आपके घर को छोड़कर चली जाएंगे और आपके घर में दरिद्रता गरीबी अपनी जगह बना लेगी। तो दोस्तों, आपको भूल कर भी कुछ ऐसी गलतियों को नहीं करना है जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे दोस्त। तो रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, यह सब तो आप जानते ही होंगे। माता अन्नपूर्णा के लिए आप सभी से विनती है कि एक लाइक तो अवश्य कर दें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता अन्नपूर्णा आपके घर पर आए, तो उन्हें अपने घर पर बुलाने के लिए कमेंट बॉक्स में माता अन्नपूर्णा आपका हमारे घर में स्वागत है अवश्य लिख दें। दोस्तों, अगर हम बर्तनों की बात करें तो रसोई घर का तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए घर की महिलाओं को तभी से जुड़ी बहुत सारी खास बातों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, खास तौर पर घर की महिलाओं को तवे पर यह चीज कभी भी नहीं बननी चाहिए जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, वरना इससे माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगे और आप एक एक दाने के को खाने के लिए तरस जाओगे। दोस्तों, तवे पर अक्सर आप कई प्रकार की पकवान तो अवश्य ही बनाती होगी, लेकिन उनमें सबसे बड़ी भूमिका तो रोटी की ही रहती है। दोस्तों, तवे पर रोटी वगैरह बनाई जा सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जाने अनजाने में तवे पर पानी को गर्म करने लग जाते हैं, जो कि घोर अनर्थ बताया जाता है। कहा जाता है कि इससे राहु केतु हमसे नाराज हो जाते हैं और हमारे जीवन में परेशानियों को जन्म दे देते हैं। और जलते तवे पर पानी जब छन छन की आवाज करता है ना, तो उसे महिला के ऊपर कष्ट भी आना शुरू हो जाते हैं। जिससे तवे पर पानी डाला है, इस महिला को यह कष्ट आना शुरू होते हैं। ऐसे में उसका जो भी वैवाहिक जीवन चल रहा है ना, वह सब धीरे धीरे बर्बाद होने लग जाता है। और इसी वजह से धीरे धीरे उसे महिला के कारण ही उसका पूरा परिवार कष्ट में आ जाता है। ऐसे में शनि देव भी अपनी बुरी नजर भी इस परिवार पर डालने लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, लोहे का संबंध तो सीधे तौर पर भगवान शनि देव से माना जाता है। इसीलिए गर्म लोहे पर कभी भी भूल कर भी आपको पानी नहीं डालना है। पहले उसे तवे को ठंडा हो जाने दे, फिर उसके बाद उसे तवे पर पानी डाले तो वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छे से तवे को आपको साफ करके किसी ऐसे कोने में छुपा कर रख देना है जहां पर किसी की उसे तवे पर नजर ना पड़े। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो एक बार जलते तवे पर पानी डालकर अवश्य देखें, अगले ही दिन आपको कष्ट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, राहु केतु शनि देव आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए शनि देव और राहु केतु को खुश करने के लिए माता लक्ष्मी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाए ना, तो सबसे पहले तवे का इस्तेमाल धोकर ही करें। रोटी बनाने से पहले तवे पर आपको थोड़ा सा नमक डाल लेना है और इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि नमक के साथ अन्य कोई मसाला उसे नमक में ना मिला हुआ हो। जैसे लोग बहुत सारे लोगों की मसाला दानी में हल्दी, नमक, मिर्च और भी मसाले एक ही खाने में मिले रहते हैं, यह बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। यह कोई भी मसाला अगर आपके नमक में ना मिला है तो ही आप उसे नमक को तवे पर डालें। ऐसा करने से राहु का हमारे जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। जब भी पुराना तवा हो जाए या फिर आपका तवा टूट जाए, तो उसे तवे को शनिवार के दिन अपने घर से निकाल दे
दोस्तों, रोटी बनाने से पहले एक छोटी सी रोटी आपको अवश्य बनानी है और उसे एक ऐसी जगह पर रख देनी है जहां पर कोई भी जानवर या फिर पक्षी जाकर उसे रोटी को खा ले। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और वहां पर रखी रोटी को कोई भी जानवर या फिर पक्षी खाकर चला जाता है ना, तो ऐसा करने से आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वह सब खत्म हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना लग जाएगा और सभी देवी देवता आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न भी हो जाएंगे। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, गैस चूल्हे पर खाली दवा आपको कभी भी भूल कर भी नहीं छोड़ता है। इससे हमारे घर में धीरे धीरे धन की कमी होने लग जाती है और गरीबी अपना वास धीरे धीरे हमारे घर में बनाने लग जाती है। और खाना बनाने के बाद आपको तभी को अच्छी से धोकर हमेशा किसी कोने में छुपा कर ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, तभी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं जाता है कि आपके शेयर करने से किसी की लाइफ में वह वीडियो कुछ काम आ जाए तो वह अपनी परेशानियों से छुटकारा भी पा सकता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और तभी से जुड़ी इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखना। अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपके जीवन से परेशानी थोड़ी दूर रहेंगी और आपके जीवन में परेशान आई नहीं आएंगे। दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की कृपा सदैव वहां पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाए तो अपनी छोटी बहन मानकर हमें माफ कर देना। और दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करेंगे। आपको यह तभी से जुड़ी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और यहां तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।